पर देखे जाते हैं थर्ड पार्टी के शिकार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये एक देखने वाली चीज रहेगी। कमला बॉय नेक्सस को डाउन करके अपनी टीम के लिए कुछ बहुमूल्य फिनिशेस लेकर जाते हैं। टीम सोल जिनके पास एक फिनिश है, अपना एक प्लेयर गवा भी चुकी है। बिल्कुल, बट टीम सोल के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज उनके साथ एक साइड में आप देखिए ओवेस की टीम बनी हुई है, ओवेस के साथ यहाँ पर सेल्सियस का फाइट चालू होता हुआ, एंड ओरैंगुटन ईस्पोर्ट जो है वो ऑलरेडी वीरू के पोजीशन को पता लगा चुका है। ग्रेनेड आता है फ्रैंकी की तरफ से, कंफर्मेशन आएगा सेल्सियस के एक और खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन वीरू यहां पर एक ओपी के ऊपर दो क्रिस्पी हेडशॉट्स, ये बहुत मासिव डेफिनेट रहेगा भाई। युवा ओपी बना के आते हैं, ट्रिगर को भी स्पॉट करेंगे, ओरैंगुटन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई। बिलीव गो इज गोइंग टू बी द फाइनल प्लेयर, बिलीव यहां पर रॉक्स एंड युवा दो खिलाड़ियों को नॉकआउट कर चुके हैं। आखिरी उम्मीद टीम सोल की तरफ से बचते हुए वीरू 999, कैन ही मेक दैट मैसिव प्ले हैपन? ओह इट्स अ 1v1, वीरू यहां पर आगे आ रहे हैं, उनके हाथ में एक मिनी है, तो पूरे तरीके से वो प्री पास लेके ओपनली नहीं जा सकते, बिकॉज़ गन स्विच करने के बाद हाथ में डीएमआर होगा। ठीक है, सिंगल टास्क बहुत अच्छा है, बट क्लोज रेंज में शायद उतना ज्यादा फायदा ना भी जाए। एक ग्रेनेड आ रहा है जो शायद बिलीव को बहुत ज्यादा लो एचपी जरूर से करके जाएगा, बट बिलीव का भी ग्रेनेड गया एट द सेम टाइम, वीरू को एक एचपी कर जाएगा, तो जो ग्रेनेड का आदान प्रदान था उसकी तो जीत यहां पर बिलीव के नाम जाती है। वीरू अगर अपने आप को हील कर लेते हैं, रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो फायदा हो सकता है। यहां बिलीव रिवाइवल दे रहे हैं, यहां बिलीव ने ग्रैब करना शुरू कर दिया, क्या निकाल पाएंगे ये वाला टॉपिक है। कुछ इनसे इनके पास है, बहुत मुश्किल होने वाला है। सोल वीरू एट द सेम टाइम विद दैट हायर ग्राउंड यूएमपी का कमाल एक बार फिर से, एस एस ह्यूमनॉइड इज बेली सर्वाइविंग, बट टीचर्स ने प्री पास भी काफी अच्छे आते हुए वीरू रिट्रीट करेंगे, हील करना चाहेंगे। उधर युवा ने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, ह्यूमनॉइड को नॉक करके दिखाया, तीन फिनिशर्स यहां पर आ चुके, बट वाइपर डाउन हो चुके, बहुत सारे प्लेयर्स जिन्हें गेट कीप किया जा सकता है। सोल युवा ने वहां पर टीचर्स निंजा को भी नॉक कर दिया है, रैंडम शॉट यहां पर देते हुए, स्प्रे काफी एक्यूरेट, बट रिज ग्लिच के चलते यहां पर पिक्सल भी विजिबल नहीं था, तो कनेक्शन वहां पर उतना ज्यादा बनते हुए हमने देखा नहीं है, बट आसान नहीं रहेगा टीएसएम के बाकी प्लेयर्स के लिए जोन के अंदर जाना। नीचे लेगेसी की बात करें, गेट कीप करना टीम सोल के लिए उतना मुश्किल होगा नहीं, बट अब दो ही चीजें बचती है, या तो जोन ले लो या गेट कीप करके फिनिशर्स निकाल लो। लेकिन भाई एक चीज, एक्विनॉक्स को शायद अपनी लोकेशन बिल्कुल भी रिवील आउट नहीं करानी चाहिए थी, वहां से बुलेट फायर नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए टीम सोल का जो फोकस है वो टीएसएम के एक्विनॉक्स के ऊपर यहां पर बना हुआ है। वीरू की तरफ अगर बात की जाए, एक चीज चीज रेड के चलते रहते एक बार फिर से कुछ गलत करने वाले थे, बट सोल युवा फिनिशेस स्टील कर लिए, इन्होंने चार फिनिशेस अपने नाम करके जा चुके हैं। सर्कल के अंदर से 10 मीटर से दूर वीरू की यहां पर मिनी एक बार फिर से शोर मचाती हुई, इरांगल हो या मीरामार फर्क नहीं पड़ता, वीरू को मिनी आज शोर मचा के ही रहेगी। छह फिनिश गाइस निकाल चुकी है यहां पर फिलहाल के लिए, एंड ये जो मौका दे रही है पड़ी इंसेन उस लेगेसी को, अब ये फायदा मिल सकता है क्या? ईस्टर्न साइड अभी भी जोन में है, अभी भी टीम इंसेन जोन में है, वो कंपाउंड फिलहाल के लिए जोन में, एट फीट के लिए चैलेंज मुझे होने वाला है कि वो किस प्रकार वो एंट्री करेगी, क्योंकि अभी के लिए काफी ओपनली में उनको आना पड़ेगा, ओपन से उनको आना पड़ेगा, व्हीकल्स है तभी उस चीज का फायदा उठाइए, अदरवाइज काफी मुश्किल होने वाली है। गाइस इतना इंटेंस भरे मुकाबले के लिए अभी तक आपने स्ट्रीम को नहीं करा लाइक, तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गिव अवे भी चल रहे हैं, तो गिव अवे का भी फायदा उठाएगा, इस लोको में ही वो चीज वैलिड हो रहेगी, बहुत सारी चीजें, बट अभी के लिए कौन सी टीम विजेता बनेगी? छह टीम्स बच रखी है फिलहाल के लिए। देखिए टीम सोल के पास स्प्लिट है, बट अब वो जोन के बाहर है, एंट्री बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज इनसेन पूरे तरीके से तैनात है यहाँ पर, पीछे से ऑरेंज रॉक भी आ रहा है, सैंडविच सिचुएशन में अगर इनसेन फंस जाए तो कुछ हो सकता है, एक आधा नॉक ऑरेंज रॉक से, एक आधा नॉक टीम सोल से आ जाए तो बैकफुट पे जा सकती है इनसेन, वरना जितने भी स्मोक कर ले अलाउ नहीं करेगी यहाँ पर, डायरेक्ट पुशिंग यहाँ पर कर दिया है, सोल रॉक दो पर हाथ उठाएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बट लाइन ऑफ फायर में नहीं जा सकते इनसेन आदि, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से तो टीम सोल के बाकी प्लेयर्स कवर दे देंगे। क्या रॉक्स ने एक अच्छी एंट्री दिला दी है टीम को? क्या यहां से एक आधा नॉक निकाल के फायदा दिला सकते हैं? ऑरेंज रॉक के आते से एक नेक्सस को डाउन कर दिया, इनसेन गोब्लिन को डाउन कर दिया गया है, युवा को भी नॉक कर दिया गया है, रॉक्स को भी डाउन कर दिया जाएगा, टीम सोल से सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचेंगे, दैट्स गोना बी वीरू, जो अपनी मिनी से जाते जाते कुछ और फिनिशेस जरूर से सील आउट करना चाहेंगे। इनसेन अपना एक प्लेयर गवा चुके हैं, एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट टीम ऑरेंज रॉक, उनकी फाइट यहां पर बहुत ज्यादा क्रूशियल निकल कर आ चुकी है, टीम रेवेनेंट के साथ जिनके पास 12 फिनिशेस आ चुके हैं, और इस ग्रेनेड से वो 12 के 13 भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, दैट ग्रेनेड, लुक एट
उसी के चलते हुए मिनामार में यूजुअली टीम जो है वो नहीं खेलती है। साथ में रॉक को व्हीकल एक्सप्लोजन से जॉनाथन कंप्लीटली एलिमिनेट करने वाले। जॉनाथन के M4 लेजर स्पेस के साथ साथ आगे आ रहा है इजी फोर एंटिटी गेमिंग, एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए क्लच गॉड अकेले 1v2 करते हुए नजर आएंगे। इजी फोर देखने वाली चीज आई थिंक यस, एक प्लेयर अपना गवा चुके हैं एंड टीम सोल इज हियर टू गेट द थर्ड पार्टी। इट्स अ गुड मूव, इट एक्चुअली इज अ रियली गुड मूव, बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी इंप्लीमेंटेड। सोल वीरू अग्रेसिंग टुवर्ड्स द सेम विद दैट पीवी बायसन इन हिज हैंड, बट बिफोर दैट ही इज कमिंग अप विद अ ग्रेनेड डायरेक्टली ऑन दैट विंडो। अपोलो माइट गो डाउन, ये ग्रेनेड अगर डैमेज लेके जाता तो पहला नॉक जरूर से बन जाएगा। अनफॉर्चूनेटली दैट ग्रेनेड वाज नॉट लीथल इनफ, दौड़ एचपी पर वहां पर वो खिलाड़ी बच चुके हैं, बट पुश करने के लिए इससे अच्छा समय हो नहीं सकता जहां पर नंबर एक क्वेश्चन टीम सोल के पास है। प्लेयर्स के एचपी बहुत ज्यादा कम है एंड प्लेयर्स काफी कॉन्फिडेंट है जब आप थर्ड पार्टी का पाउंस ऑन करते हो इस इन्फॉर्मेशन में कि प्लेयर्स यहां पर अभी जस्ट फाइट एंड किए तो आपके पास बेहतर चांस रहता है। सेल्सियस जिनके पास एक है मैन, ये वीरू को डाउन कर देंगे एक सरप्राइज अटैक के चलते। वीरू को कोई एंगल नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई इनपुट नहीं थी कि वहां पर एक प्लेयर रुका हुआ है। सेल्सियस के ऊपर बैक टू बैक एक्शन आ रहे, बट टीम सोल जो थर्ड पार्टी करने आए थे वो शायद उतनी ज्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं दिखा पाते सोली बाई पर जो अब यहां पर अकेले बचे हैं। बट क्या कर दिया यहाँ पर सोल ने, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप स्प्लिट ले सकते थे, लेकिन साथ में स्प्लिट लेते एक साथ रहते तो बेस्ट रहता, बट जी नहीं, एक गलती और अब देखिए माय भी यहाँ पर एक और टीम का इंक्लूजन हमें देखने को मिलता हो, क्योंकि 8-bit भी अब इस फाइट में पार्टिसिपेटेशन करती हुई नजर आएगी। वाइपर के पास वहां पर अभी के लिए हाइड करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इनसेन भी कभी भी यहाँ पर धावा बोल सकते हैं सही समय आने पे। देखिए इट्स 8-bit, ये आप गिन लीजिए कि सबसे पहले आई रेवेनेंट, फिर आई टीम सोल, उसके बाद आई यहाँ पर 8-bit। वाइपर को भी शायद यहाँ पर डाउन कर दिया गया मोलोटॉव के चलते, इनसेन आदि ने सेल्सियस के ड्रीम्स को डाउन कर